वो एक गैंग है, उस गैंग को पकड़ा जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस वो एक गैंग है, उस गैंग को पकड़ा जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कुछ लोग हैं और ये जो है स्कूल की समस्या लेकर जो है डोडा पहुंचे हैं और जगह जगह भटक रहे हैं और एप्लीकेशनें दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनके स्कूल में जो पानी लगा भी था वो भी तोड़ दिया है। चलिए पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है जनाब? सर मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं उस वार्ड का पंच हूँ जहाँ में स्कूल में प्रॉब्लम है पानी की। क्या नाम है उस स्कूल का? उसका सर UPS बिबड़ोता। लगभग कितने बच्चे हैं उस स्कूल में? 180 से ऊपर बच्चे हैं सर उस स्कूल में। क्या दिक्कत आ रही है? मतलब सर दिक्कत तो ये डेली की यही आ रही है, जब से स्कूल खुले हैं 1 मार्च से ये पानी नहीं है स्कूल में, पानी नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने ऐसा काम किया कि डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की कि हमें पानी स्कूल के लिए तो दे दो, ऊपर उनके ऊपर नीचे भी जो घर हैं उनको भी पानी नहीं आता था। चलो स्कूल के बेस पे तो उन्होंने पानी दिया एक कनेक्शन, 30 दिनों के बाद उन्होंने 30 दिन वेट कराया, 1 अप्रैल को एक कनेक्शन दिया उन्होंने एडिशन करके एक लाइन का, जो कि उनकी बंद लाइन पड़ी हुई थी, तो उसमें से दिया स्कूल में। अभी 10 मिनट हुए थे पानी, 10 लीटर पानी आया था, कोई 20 लीटर पानी आया था। उसके बाद ऊपर कुछ हंगामी हालत हो गई जनाब, लोग उठे, उन्होंने वो सारे का सारा पाइपें उखाड़ दी वहाँ से, जो कि गैरकानूनी है। एक बार क्या हुआ था कि पिछले साल की बात है, शायद इसको 4-5 महीने हुए या पिछले साल की बात है, एक SC वाले आदमी ने अपनी मर्जी से एक वाल खोल के पानी भरा था जबकि उनकी टर्न नहीं थी, उस पर इन लोगों ने पुलिस रिपोर्ट कर दी थी। और आज हम बोलते हैं कि जिन्होंने फोर्सली पाइपें उखाड़ी हैं उन पर FIR लगनी चाहिए। गुंडागर्दी वाले लोग रहते हैं वहाँ पे, वो गुंडागर्दी करते हैं, जबकि ये पूरा डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है इनके साथ गुंडागर्दी में। और एक्शन साहब हमको बोलते हैं आप FIR आप लार्ज करवाओ, आप बताएं ये कौन सी कानून है कि हम FIR लार्ज किस बेस पे करवा सकते हैं? हमारे पास तो कोई FIR लार्ज करवाने का प्रावधान नहीं है। किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक आम आदमी FIR लगवाएगा, वो भी डिपार्टमेंट का केस जहाँ पे बनता है? हम डिपार्टमेंट लोगों ने आपको चुना है, आप लगा सकते हैं, ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले स्कूल की जिम्मेवारी है। और जिन लोगों ने तोड़ी है तो इतने पापी लोग हैं क्या? मतलब स्कूल के बच्चों के लिए भी पानी नहीं बख्शा उन लोगों ने? सर बच्चों की समस्या है, अभी आप अगर कल आप आएंगे हमारे स्कूल में देखेंगे बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, राशन अंदर पड़ा हुआ है, MDM का राशन जो है हमारे पास स्कूल के अंदर पड़ा हुआ है, और पानी टॉयलेट नहीं जा सकते हैं बच्चे, टीचरों ने मना करके रखा है कोई भी टॉयलेट में नहीं जाएगा, गंद पड़ती है, कहाँ जाएंगे बच्चे? अब हमारे बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम आते हैं, देखिए ना एक्शन साहब के पास एप्लीकेशन दी, एक्शन साहब बोलते हैं हम देखेंगे इसको अपने हिसाब से, तुम FIR लगाओ उन पर। अभी हम क्या हो जाएगा फिर? आपने नहीं बताया कि FIR लगाने के बाद क्या हो जाएगा? सर हमने बोला है कि उनको हमको पानी किसी तरह से भी बच्चों के लिए स्कूल में पानी दे दो, अभी इतनी गर्मी है बच्चे पियेंगे क्या? अगर बच्चे 2-3 किलोमीटर दूर से आते हैं एक बॉटल पानी लेके आएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉटल पानी 1 लीटर ही उठा सकता है एक बच्चा, पूरा दिन 1 लीटर में पानी के साथ बच्चा करेगा भी क्या उस स्कूल में? शर्म आनी चाहिए ऐसे जैसे लोगों को जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं, और जिन लोगों को कुर्सियों पर बिठा कर रखा है कि इन लोगों की समस्या कोई भी हो वो हल हो जाए, लेकिन इनको क्या जवाब मिलता है? आपने खुद ही सुना कि FIR लगा दो या और चीज़ें कर दो, लेकिन डिपार्टमेंट जो है कोई एक्शन नहीं लेगा। उन्हीं के डिपार्टमेंट की पाइपलाइनें हैं और वही लोग जो है हल भी करेंगे कि आखिर हमारी पाइपें किसने तोड़ी और क्यों तोड़ी। कम से कम ये चीज़ें जो है वहाँ पर नहीं होनी। चलिए कुछ और लोग भी हैं। इसकी बात नहीं है सर, ये हम जब से वो हाउस बना था ऊपर जब से लाइन आई थी, बेसिकली वो लाइन इशू एक कंपनी ने की थी, उस पर कुछ पैसा गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया था, एक कंपनी प्रोजेक्ट जो बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आया था उसमें ब्लास्टिंग की वजह से कुछ पानी जो है ज़मीन दोज हो गए थे, उन्होंने कंपनी ने प्रोवाइड किया था कि हम आपको पाइप देंगे आप एक वाटर रिजर्वायर बना दो और इस एरिया के लिए वो पानी दे आएंगे। जब सर वो लाइन लगी उसमें उन्होंने क्या किया कि हमारी जो लाइनें थी वो उस हाउस में से निकाल के एक इंच के डाई की रखी गई, और अपने लिए जिस जहाँ के वो खुद ऑफिसर वहाँ के थे जो खुद अपने डिपार्टमेंट के PHE वाले डिपार्टमेंट के, उन्होंने अलग करके 2 इंच का डाया अपने लिए रखा 1 इंच का, और वो 1 इंच का भी बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे कि हमारे, और नीचे स्कूल पड़ता है उसमें हमने एडिशन जब करवाया, हमारे सुपरवाइज़र साहब बहुत अच्छे हैं जो फरीद सर हैं हमारे सुपरवाइजर्स के साहब के साथ, उनके साथ मीटिंग हमारी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारी सिर्फ यही मीटिंग हुई कि पानी दें कैसे स्कूल के लिए, और 31 मार्च जाने के बाद 1 तारीख को जब हमने अपने पैसे खर्च करके उनको दिया कनेक्शन, एक अपने लाइनमैन ने लगाया उधर कनेक्शन, वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ऊपर जाके पानी तोड़ गए। अब सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से,
कि हम गरीब लोग हैं, नीचे वाले जो उस एरिया में रहते हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं। 30 रुपये मेरे दिन की इनकम है और 1000 रुपया गाड़ी का किराया खर्च करके मैं यहाँ पे आया हूँ। अब बताएं, दूसरे चक्कर के लिए मेरे पास तो कोई पैसे नहीं होगा, अब मैं 2 महीने के बाद आऊँगा। लेकिन इतनी शर्म होनी चाहिए। वो एक गैंग है, उस गैंग को पकड़ा जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लगाना चाहिए। अब हम गरीब लोग हैं, हमारी अगर आवाज़ नहीं उठ सकती है। मैं इसी पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ कि एस सी सर को आप यहाँ के पूछना चाहते हैं, एस सी एन सर को, पीएचई के, कि आप मुझे बताएं कि एक एस सी कैटेगरी का आदमी, एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का आदमी अगर पानी भरता था वहाँ पे, उसने तोड़फोड़ भी कुछ नहीं की थी, पानी भरा था, उस पर कैसे रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट लग जाती है? और ये इतनी बड़ी गैंग जब पाइपें उठा के ले जाती है तो वाला क्या सिस्टम है, मतलब जात पात वाला क्या सिस्टम है? वह जात पात वाला सिस्टम ये है ना कि वो एक गरीब आदमी था, उसको जात के पेज पर भी छोड़ा जा सकता था कि इसने चल कर दिया यार, बेचारा गरीब आदमी है, लोअर कास्ट का आदमी है, कोई बात नहीं, इसने कर दिया तो उसको छोड़ा तो जा सकता है। बातें नहीं करनी, सुने 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 में रिपोर्ट कर दी गई, ये बातें नहीं करनी चाहिए। एससी है या मुस्लिम है या हिंदू है, सब लोग इंसान है, पहली बात तो यही है। नहीं, गरीबी की बात कर रहा, गरीबी की, गरीबी की नहीं, गरीबी की बात कीजिए आप, ये एससी वैसी ये चीजें नहीं कीजिए, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खिलाफ ये चीजें हुई हैं, आप कार्रवाई करिए या कुछ जो भी चीजें कंप्लेंट करिए। अगर आपका कोई काम नहीं करता, हम लोग तैयार हैं कि आपकी आवाज आगे तक पहुंचाने के लिए। नहीं सर, एक गरीब तबके को भी एक्स्ट्रा दी जाती है ना सर, वो गरीब आदमी था, वो उस पर ये तो हो सकता था, चलो यार छोड़ दो, इसने एक बार गलती की, लेकिन उसको पुलिस से धमकाया गया, तब पुलिस FIR लग सकती है। लेकिन एक गुट के खिलाफ, एक पूरे मजमे के खिलाफ FIR नहीं लग सकती है क्या? ये चीज़ बोलिए, ये सही है, ये क्यों नहीं लग सकती? गोलीलाल शर्मा, गोलीलाल जी, क्या चीज़ है, मतलब ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ रही हैं और आपके बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, तो क्या डिमांड करेंगे DC को? DC साहब को पानी की डिमांड सर करते हैं, हमने पानी के बारे में बात की, मीटिंग की हमने, उन्होंने बोला जी आप पानी लगा दो, लेकिन सामान हमारे पास नहीं, आप सामान खरीदो दुकान से। 2700 का मैंने सामान दुकान से खरीद के लाया, बैंड वगैरह जो भी लगने थे, तो लाइन लगाई, चौकीदार ने पानी डाला उसमें, जब पानी डाला जब उनको पता लगा तो दूसरे दिन जाकर उन्होंने दोनों लाइनें तोड़ दी, मतलब वो एक जो ऑलरेडी चल रही थी ना, एक जो एडिशन की उसमें, वो दोनों उन्होंने तोड़ दी जनाब। तो वहाँ का काम कर लिया उन्होंने। हाँ, अब हमें बोलते हैं जी आप उनको आपने क्यों नहीं पूछा, हम उनको पूछ रहे आपने पानी क्यों तोड़ा, उन्होंने बोला कि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, पानी आपको हम नहीं दे सकते। आपने नहीं बोला कि आप लोगों को किस लिए इन कुर्सियों पर बैठा कर रखा है? नहीं सर, हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम बदतमीजी करते हो आगे से, ये अगर ये बात हम बोल देते, हमने बोला सर उनको कि शायद एक और FIR आपके ऊपर लगवा देते कि अगर ऐसी बात बोल, बिल्कुल बिल्कुल सर, शक के बीच में कोई शक नहीं है, वो FIR लगवा सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बिहेव कर रहे थे, जैसे मैंने उनका जुर्म मैंने किया था, ना कि किसी दूसरे ने उनके। फिलहाल जो समस्या है इनकी, इनका UPSC स्कूल जो है भिभरोता है, और वहाँ पर 180 बच्चे पढ़ते हैं, और मिड डे मील भी उस स्कूल में बनता है, और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से वहाँ पर पाइपलाइन सेक्शन हुई और उसके बाद जो है पानी भी आया, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो पानी जो है दोबारा से तोड़ दिया, और DC ऑफिस भी आए थे, और जो PHE के जो एक्शन है उनके पास भी आए, और यही उम्मीद लेकर कि कम से कम उस समस्या का हल हो जाए, और ताकि वहाँ के बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको पानी मिले। अब देखते हैं किस तरह की कार्रवाई करती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अपनी कुर्सियों पर जो है AC वाले कमरों में ही बैठी रहती है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मेरा नाम इमरान वानी है, और हमारी फर्म का नाम जो है वो वानी हैंडलूम के नाम से है, और हमारा यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं, और हमारी बिल्डिंग जो है ये नियर होम गार्ड लाइन के सामने पड़ता है, अपना पेट्रोल पंप के साथ में, पहले पेट्रोल पंप के साथ में, और हमारे पास जो है ऑफिस के रिलेटेड सारी ही चीज़ें मिलेगी आपको, जेम के थ्रू मिलेगा, जैसे कि ऑफिस सोफ़ा है, अलमीरा है, मूविंग चेयर है, विजिटर चेयर है, इसके अलावा हमारे पास आपको मैट्रेसेस मिलेंगे, आपको बेडशीट मिलेगी, फर्शी मिलेगी, कारपेट्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आपने फर्नीचर की बनवानी है तो आप हमें अपना सैंपल दे दें, हम आपको वो रेडी करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ फर्निशिंग के हिसाब से हो या अलमीरा के हिसाब से हो, अगर आप ऑर्डर ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो हम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको जो है एक तो सोफ़े के रिलेटेड और एक हमारे पास फर्निशिंग के रिलेटेड ऑल इन वन आइटम मिलेगी। हमारे पास जो कस्टमर जम्मू परिवर्तन का नाम लेकर के हमारे पास आएगा तो उसके लिए हमारे पास अलग सा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे।